अल्मोड़ा के जाखनदेवी क्षेत्र में सीवर लाइन निर्माण कार्य के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचल दिया। आनन फानन में घायल को बेस अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना आज गुरुवार दोपहर की है। हवालबाग ब्लॉक के बिमौला निवासी हरीश सिंह अपने बुलेट से अल्मोड़ा बाजार को आ रहे थे। लक्ष्मेश्वर में सीवर लाइन कार्य में लगे एक ट्रैक्टर चालक ने बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे हरीश सिंह ट्रैक्टर के नीचे आ गए। स्थानीय लोग उन्हें बेस अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अशोक ने बताया कि घायल व्यक्ति के पेट व चेस्ट में चोट थी। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जाखनदेवी में हुई ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ट्रैक्टर द्वारा बुलेट सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर लग गई। जमीन पर गिरते ही बुलेट और व्यक्ति को ट्रैक्टर को चला रहे व्यक्ति ने रोड के सामने पिलर में दबा दिया, जिस कारण हरीश बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में बिमौला गांव निवासी 45 वर्षीय पूर्व ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य हरीश बिष्ट की मौत हो गई। वहीं मौका देखकर निजी कंपनी के ट्रैक्टर चला रहे कर्मचारी व अन्य वहां से फरार हो गए। मृतक हरीश बिष्ट की पत्नी समेत छोटे बच्चे, एक लड़का व एक लड़की है, जिनकी उम्र 10 साल व 7 साल है। जाखनदेवी में आरा मशीन के पास से शिखर होटल तक सीवर लाइन का कार्य इस महीने की शुरुआत से चल रहा है। लोग इसे लेकर कई बार विभाग और ठेकेदार की लापरवाही को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज ये हादसा हो गया। लोगों का आरोप है कि काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि 15 दिन से ज्यादा काम होने के बाद भी महज 800 मीटर सीवर लाइन डल पाई है।